वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ माई सोलर पैनल गाइड। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना 6 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा, जैसे कि मेरा बिजली का बिल कितना कम हुआ, इन पैनल्स की सफाई कितनी मुश्किल है, इस पे मैं क्या क्या चला सकता हूँ और बहुत कुछ। सो लेट्स गो। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी जस्ट गिव यू अ फ्यू डिस्क्लेमर्स। मैं सोलर इंस्टॉलर नहीं हूँ और मैं एक जस्ट कंज्यूमर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सोलर का। मैंने किसी भी वीडियो में ये क्लेम नहीं किया है और जो भी मैं यहाँ पे फीडबैक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ एज अ कंज्यूमर। तो मुझे आपके सोलर लगाने या ना लगाने से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता था, तो आपको ये ना लगे कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है या मेरा इसमें कोई फ़ायदा है आप लोगों के लिए अगर आप सोलर लगाते हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपको एम्पावर करना चाहता हूँ विद नॉलेज। और आप लोगों के जो फीडबैक है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ पसंद की हैं और ये वन ऑफ माई मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज़ है, तो इस वजह से मैं ये 6 month रिव्यू बना रहा हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट द बिल्स। मेरे पास सारी बुकलेट लगी है, इसमें सारे बिल्स हैं हमारे, और इतने लोगों ने सवाल पूछा है कि बिल कितना कम हुआ, बिल कितना कम हुआ। और मैं कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब नहीं देता था क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है इसका, जो मैं उसमें नहीं बता सकता कमेंट्स में। तो मैं इस वीडियो में इसको एड्रेस कर रहा हूँ और लोगों का सही सवाल है, दे वांट टू नो कि कितना बिल कम होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। और अभी से मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेंगे, तो मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ, फिर मैं इसको डीब्रीफ करूँगा कि क्यों इतने कन्फ्यूजिंग है। नवम्बर में हमारा बिल 3.5% कम हुआ, दिसंबर में 49.5% कम हुआ, जनवरी में 78% कम हुआ, फरवरी में 46% कम हुआ, मार्च में 12.7% कम हुआ और अप्रैल में 62.5% कम हुआ। तो अगर आपके दिमाग में था कि बिल आधा हो जाएगा, तो ये तो आपको नज़र आ गया है कि आधा आध का कोई फ़र्क नहीं है। हमारा बिल 80% तक कम भी हुआ है और 2-3% पे भी कम हुआ है। अगर किसी बंदे को भी कंपैरेटिव एनालिसिस रिसर्च मेथडोलॉजी के अलिफ बे भी पता है, तो रूल नंबर 1 होता है कंपैरेटिव एनालिसिस का कि आपने जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल रखना होता है। हमारे केस में ये बिल्कुल भी नहीं था, हमारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर ऑल ओवर द प्लेस। लेट मी एक्सप्लेन। जो आपको सोलर से पहले के बिल मैंने आपको कोट किए हैं, उसमें हम कतर में होते थे, हम पाकिस्तान में नहीं थे और इस घर में बहुत कम लोग रह रहे थे, मतलब सिर्फ मेरे पेरेंट्स थे और मेरी नानी थी। उस वक्त का जो हमारा मीटर था वो एनालॉग था, तो जिस जुलाई 2020 में वो मीटर डिजिटल पे कन्वर्ट हुआ है, तो डिजिटल मीटर जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज़्यादा बिजली का बिल आता है उनके साथ। तो ये 2 बड़े वेरिएबल्स थे। और जो तीसरा जो आपको नवम्बर में जो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा 3.5% है, वो इस वजह से था कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी और ये जो एक मार्बल रगड़ाई के लिए एक मशीन आई थी, वो उस मशीन ने जो है बहुत ज़्यादा बिजली खाई है और वेल्डिंग भी घर में हो रही थी, सो देर वॉज़ अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन और हैवी इंटेंसिव थी इलेक्ट्रिक उस पे कंजम्पशन पे। तो दैट्स वाई आई वुड से कि इतना फ़र्क नहीं आया नवंबर में। अगर आप इन्वर्टर्स का डेटा लेते हैं, दैट्स द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो इन्वर्टर्स को मैंने देखा और उसमें मुझे पता चला है कि इन द लास्ट 6 months हमने 4 megawatt बिजली इस घर में बनाई है, इन पैनल्स ने 4 megawatt बिजली बनाई है। और अगर मैं कैलकुलेशंस करूं तो 8-9 हज़ार पर मंथ हम बिजली ख़रीदने के बजाय घर में बना रहे थे। अगर मैं बिल्कुल बेस यूनिट प्राइस लूं, अगर मैं अपर वैल्यू लूं तो और भी ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, बट समझ लें कि 9,000 रुपये पर मंथ हम फ़ायदे में जा रहे हैं। अगेन अगर आप इसका एनालिसिस करें तो अगर 9,000 पर मंथ करें तो इसका पे बैक तकरीबन 10 साल का होता है,
बट अगेन यू आर वेरी रॉन्ग हेयर. अगर इतना सिंपल आप इन चीज़ों को मत लिया करें. तो अभी जो ये बिजली बनी है ये बिल्कुल स्लो सीज़न में बनी है, सर्दियों के मौसम में बनी है और बरसात के मौसम में. अभी हमने गर्मियों में इस सोलर को यूज़ ही नहीं किया है और इंशाल्लाह अभी जो अगला 6 महीने हैं उसमें अभी हम 9,000 की बनाने हैं, शायद हम 15,000 या 16,000 रुपये की बिजली बनाएंगे. और क्योंकि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ये मैंने पार्ट वन में एक्सप्लेन किया है, जो आप बिजली बनाते हैं इज़ डिपेंडेंट ऑन द लोड दैट यू आर यूजिंग. तो इस वजह से ये सारे जो है ना फैक्टर्स, इसने मुझे एक चीज़ कन्विंस कर दी है कि डेफिनेटली नेट मीटरिंग हमें लगवानी चाहिए. और क्योंकि हमने नेट मीटरिंग नहीं लगवाई हुई, वी आर लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ मनी और हम इतनी बिजली नहीं बना पा रहे घर में जितनी हम बना सकते हैं. तो डेफिनेटली दैट्स माय कंक्लूजन विद दिस बिल वगैरह. तो इस टॉपिक को मैं एंड में भी रखूँगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में. ये बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ही ब्रॉडली जा रहा हूँ. अगर मैं सिर्फ इस टॉपिक पे बात करूँगा ना तो ये पूरा मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी. तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक और मैं आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक. तो फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब जो मेरी नज़र में एडवांटेजेस हैं इस सिस्टम के, वो मैं आपसे ज़रा शेयर करता हूँ. पहला मैं आपसे शेयर करूँगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशंस. मतलब मैंने यहाँ पे नोटिस किया है हमारे ग्रिड में बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल मैंने नोट किया कि रात को हमारे ग्रिड से जो आ रही थी बिजली वो 260 वोल्ट पे आ रही थी. और एक दफ़ा बिजली चमक रही थी, थंडर स्टॉर्म आया, तो हमारी ग्रिड की जो वोल्टेजेस थी वो 85 वोल्ट तक पहुँच गई थी, तो बहुत नीचे चली गई थी. तो जब भी ऐसा कुछ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इन्वर्टर्स हैं उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है. और जब भी ऐसा कोई वोल्टेज अप या डाउन होती है हमारी ग्रिड कट ऑफ हो जाती है एंड देन वी गो ऑन आवर बैटरी बैकअप. तो इससे ये होता है कि हमारे घर में जितनी भी अप्लाइंसेस हैं, टीवी, जो भी बाकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडियो का इक्विपमेंट है, कैमरे वगैरह, हार्ड डिस्क बहुत सेंसिटिव होती हैं, हमारा जो डेटा स्टोर हुआ है वो सारा इन सारे फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्टेड रहता है. एंड दैट इज़ अ बिग बिग प्लस फॉर मी. और अगर आपके भी कोई घर में महंगी अप्लाइंसेज हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करेगा. दूसरा ये रिलायबिलिटी, इसका भी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. एक मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, बिल्कुल लाइक टाइम आ गया था, मैंने वीडियो जैसे ही अपलोड पे लगाई लोड शेडिंग हो गई. तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ये लगा हुआ था, बैकअप था हमारे पास, तो इस मामले में मेरी कोई लाइफ में कोई इंटरप्शन नहीं आई. और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पूरा दिन 8 घंटे दिन में बिजली नहीं थी. और जब दिन में बिजली जाती है तो हमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम बैटरी भी यूज़ नहीं कर रहे होते. तो डायरेक्ट हम पैनल से पूरा दिन हमने बिजली यूज़ की, हमारा कोई काम नहीं रुका. और ये सर्दियों का मौसम था तो हमारे सारे गीज़र भी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें नहाना है गर्म पानी से तो वो भी पानी भी हमारा गर्म हो रहा था. कोई हमारी ज़िंदगी में कोई वो जो पॉज आता है ना लोड शेडिंग से, वो ऐसा कोई पॉज नहीं आया. तो दैट वॉज़ अ ह्यूज एडवांटेज फॉर अस. और तीसरा पॉइंट जो है वो है एडिड सिक्योरिटी इन आवर होम. तो हमने अपने घर में जो है सिक्योरिटी कैमराज लगाए हुए हैं, DVR लगा हुआ है, तो उसको भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कभी भी डिस्टर्प्ट नहीं होती है. तो उसमें भी हार्ड डिस्क होती है, उसमें भी जो है सेंसिटिव आइटम्स होते हैं, इस तरह आपका कोई भी ऐसा इक्विपमेंट डैमेज नहीं होता और एक सेकंड के लिए भी वो रिकॉर्डिंग पॉज नहीं करता. अब आप बहुत सारे कमेंट्स में लोग कहेंगे यार UPS पे लगा देते हैं DVR. दैट्स नॉट द पॉइंट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर इज़ द लाइफस्टाइल हेयर. तो यानी हमारा जो है DVR कभी रुकता नहीं है, हमारे सिक्योरिटी कैमरा जो चल रहे होते हैं 24 घंटे हर एक एक सेकेंड रिकॉर्ड हो रहा होता है. और दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोलर पैनल्स. और एक सेकेंड के लिए भी क्योंकि बिजली नहीं जाती है तो वो इस तरह से कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती हमारे घर की सिक्योरिटी में. और क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है लाइटें भी जल रही होती हैं, उससे भी एक हमें एक एडेड सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है. अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चेंज इन आवर लाइफस्टाइल. मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह तब्दील हुई है. तो इसके बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें अब लगता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि हम जैसे पाकिस्तान से बाहर जो हमने ज़िंदगी गुजारी है बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स में हमारी बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी हो गई है.
हमारा लोड शेडिंग वाला जो फैक्टर था वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें कोई इस तरह की फ़िक्र नहीं है कि बारिश हो रही है तो बिजली चली जाएगी तो हमारा काम रुक जाएगा, या हमें यानी जस्ट बेसिकली हम अपना जो दिन प्लान करते हैं उसमें लोड शेडिंग का जो फैक्टर है वो एलिमिनेट हो चुका है। और इस लाइफस्टाइल के बारे में मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और वो जो मूव होना चाह रहे हैं पाकिस्तान, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें आपका मेक और ब्रेक कर सकती हैं पाकिस्तान में अगर आप सर्वाइव करते हैं या नहीं, उनमें से एक है फ़ाइबर ऑप्टिक इंटरनेट और दूसरा है सोलर पैनल्स। आई थिंक ये मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त रहा इनके साथ, मैं सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वापस आ रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर लगाएं, आपकी फैमिली का जो चांस है यहाँ पे सर्वाइव करने का पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, ईज़ ऑफ़ यूज़ और मेंटेनेंस। तो एक बहुत ज़्यादा सवाल था आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कि इसकी सफाई कैसे होती है, और आई थिंक ये सोलर के बारे में एक रूमर भी फैला हुआ है कि इसकी बहुत आपको रेगुलरली शायद सफाई करनी है या बहुत मुश्किल है इसकी सफाई। तो आप ये देख रहे हैं आज बारिश हुई है और ये सोलर पैनल्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हो रहे हैं। तो आपको आपके इलाके में अगर बारिश होती रहती है रेगुलरली, इस्लामाबाद में रेगुलरली बारिश होती रहती है, तो 6 महीने में मैंने सिर्फ एक दफ़ा सोलर की सफाई की थी, वो एक स्पेल आया था जब बारिश नहीं हुई तो मैंने इसकी सफाई की। और आप फिर पूछोगे यार क्या कौन सी इक्विपमेंट आपने यूज़ की है इस सोलर पैनल्स की सफाई के लिए, भाई एक नॉर्मल सा मोटर का पानी का पाइप है, मैंने बस पानी मारा है और ये सब साफ़ हो गया। तो आपको इसके लिए कोई ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं सफाई के लिए, स्पेशली अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ बारिशें होती हैं, और अगर आप नहीं भी रह रहे कराची में अगर रह रहे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक नॉर्मल पाइप पानी के पाइप से ये साफ़ हो जाता है। एक और सवाल आप लोगों का था कि क्या यालाबारी या हेल स्टॉर्म से ये सोलर पैनल्स डैमेज होते हैं, ये भी 6 महीने में एक दफ़ा हो चुका है, बल्कि मल्टीपल दफ़ा यालाबारी हुई है, और आप देख सकते हैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसकी वजह है क्योंकि ये जो कंपनियां हैं जब सोलर पैनल बनाते हैं ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं होते, इनके पूरे टेम्पर्ड ग्लासेस हैं इनकी, इस ये टेक्नोलॉजी जो है सोलर पैनल्स के जो इनके ऊपर जो ग्लास लगता है ये कोई मामूली ग्लास नहीं होता, अगर आप ओरिजिनल वाला पैनल लेंगे ये डैमेज नहीं होता है, और ये डिज़ाइन इस डिज़ाइन टू विदस्टैंड ऐसी फोर्सेस, तो विंड फोर्सेस भी और ये हेल स्टॉर्म वगैरह सब, तो ये काफ़ी मज़बूत चीज़ है, उसकी 25 साल की वारंटी है, तो आप इस मामले में बेफिक्र रहें। तो अगर हम इस सोलर सिस्टम के इंटरनल्स की मेंटेनेंस के बारे में बात करें, जैसे कि ये दो इन्वर्टर्स हैं, ये बैटरीज हैं हमारी 8, इनकी कितनी मेंटेनेंस फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है, तो आई वुड से कि देयर इज़ मिनिमम टू नो नीड। जिस तरह के ये इन्वर्टर्स हैं ये अपना काम खुद ब खुद करते हैं, तो इसका बेस्ट जज ये हो सकता है कि अगर मैं घर पर ना हूँ तो क्या मुझे यानी यहाँ पे होना पड़ता है घर पे टू ओवरलुक दिस काइंड ऑफ स्टफ़, नहीं बिल्कुल भी नहीं होता। अगर बिजली जाती है तो ये इन्वर्टर्स खुद ही कन्वर्ट हो जाते हैं बैटरीज़ में, और बैटरीज़ की भी कोई मेंटेनेंस अभी तक नहीं है क्योंकि बिल्कुल नई बैटरीज़ हैं। मगर अगर मैं आपको उसको थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ अभी, तो ये हमारी 8 बैटरीज़ हैं ओसाका की, 185 एम्पियर आवर्स की बैटरीज़ हैं, टॉल ट्यूबलर, और इनकी अच्छी खासियत बात ये है बेसिकली कि अगर आप हर उसमें ना आप देख सकते हैं कि पानी कम हो सकता है, यानी विजुअली आपको एक गाइड मिल जाता है, तो अगर किसी का भी ये जो नॉब है ये नीचे आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेल में पानी कम हो गया, एंड देन वी कैन ईज़िली रीफिल। सुनने में आता है कि ये 2 साल तक आपको कोई रीफिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हमें सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इसका अभी तक तो कोई मेंटेनेंस का काम नहीं आया, बट इट सीम्स क्वाइट ईजी, तो इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिस्टम अगर मैं इसको रेट करूं तो आई वुड रेट इट एज़ वेरी वेरी लो मेंटेनेंस। मुझे कभी सिस्टम के लिए कोई टेंशन नहीं होती अगर मैं घर पे ना हूं, घर से दूर हूं, और घर पे कोई ऐसा टेक्निकली साउंड पर्सन नहीं है, तो अगर लो शेडिंग होती है ये इन्वर्टर्स अपना खुद ही ऑटोमेटिकली काम करते हैं, और मुझे हर रिपोर्ट जो है चीज़ मिल रही होती है ऑन द फ़ोन, तो आई एम ऑलवेज़ कनेक्टेड टू दिस सिस्टम, तो दिस इज़ आई वुड से अ बिग एडवांटेज ओवर जनरेटर्स वगैरह, तो उसको किसी को ऑन करना नहीं पड़ता मैनुअली, दिस एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक हेयर, तो अगेन वेरी लो मेंटेनेंस। आई वुड से कि इट्स अ बिट द जो लोड शेडिंग जब होती है
तो बैटरी पे जब ये कन्वर्ट होता है पूरा सिस्टम, अभी इट्स अ बिट टू स्मूथ, यानी एक मिली सेकेंड के लिए भी बिजली नहीं जाती, कुछ फ्लक्चुएशन नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता कभी कभी कि लोड शेडिंग हो रही है. तो दिस इज़ अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव. तो बहुत अक्सर अवकात ऐसा होता है कि जिस तरह बिजली गई है और हमें पता नहीं चला है, तो वी एंड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ बैटरी. बट अगेन, मैंने पिछली वीडियो में भी अपने पार्ट टू में बताया था कि इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो इसमें हैवी लोड और लाइट लोड को आप एसेंशियल लोड जैसे है, तो हैवी लोड जैसे एसी, गीज़र वगैरह, जो दे आर नॉट एसेंशियल टू योर डेली लाइफ, तो आप उनका जो कनेक्शन है इसको बता सकते हैं कि ये एसेंशियल लोड नहीं है. और जो एसेंशियल लोड है जैसे बिजली, सॉरी, जैसे आपके फ्रिज वगैरह, पंखे, लाइटें या सिक्योरिटी कैमराज, वो आप इसको बता सकते हैं कि ये एसेंशियल लोड है. तो लेट्स से कि आप इसको पूरे इसका कंप्यूटर में प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये कोई टच स्क्रीन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. तो इसको टच स्क्रीन में आप बता सकते हैं, इसके सिस्टम में डाल सकते हैं कि जैसे ही 80% बैटरी कंज्यूम हो जाए, सॉरी, यानी 20% आप हमने कंज्यूम कर लिया और 80% बच गई है, तो वो हैवी लोड को, नॉन एसेंशियल लोड को कट ऑफ कर दे. तो सिर्फ उसके बाद जो है 80% बैटरी जो बच जाएगी वो सिर्फ एसेंशियल लोड के लिए चलेगी. हमें जो है इस जो 8 बैटरीज हैं तकरीबन, इसका हमें 8 घंटे का एसेंशियल लोड बैकअप मिलता है. और इस 6 महीने में हमने सिर्फ एक दफ़ा इसको यूज़ किया है, और जब ये नेशनल ब्लैकआउट हुआ था हमारा पाकिस्तान में, तो हमारा घर बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था. वी वर वॉचिंग एवरीथिंग ऑन TV, हमारा नेट भी चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह. और अगेन, दिस इज़ वन ऑफ दोज एडवांटेजेस आई वुड से दैट दिस सिस्टम हैज़. तो वो जो एक जो आई वुड से इम्प्रूवमेंट्स या डिसएडवांटेजेस हैं कि हमें पता नहीं चलता कि बिजली गई है, तो आई वुड सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट कि एक अलर्ट आ जानी चाहिए मोबाइल ऐप में कि ग्रिड ऑफ हो गया है, इस तरह का कोई पुश नोटिफिकेशन आना चाहिए. और या फिर कोई ऐसा, यानी सोलर इंस्टॉलर से मैं कहूँगा कोई ऐसा बल्ब लगा दें, या कोई, यानी जहाँ पे लोग आ जा रहे हों कि पता चल जाए कि इस वक्त बिजली नहीं आ रही वापदा से. तो अगेन, इट्स अ पॉजिटिव एज वेल कि हमारी लाइफ में पता ही चलता जब हमारी ज़िंदगी गुजर रही होती है कि लोड शेडिंग हो रही है या आ रही है, बिजली जा रही है, कुछ पता नहीं चलता हमें. बट इन अ वे इट्स ऑल्सो नेगेटिव कि हमें एहसास नहीं होता कि हम बैटरी से यूज़ कर रहे हैं बिजली, या हम सोलर से यूज़ करें, या वापस यूज़ करें. तो सो दैट वॉज अ फ्यू थिंग्स आई वॉन्टेड टू से. एक और चीज़ जो मैं इस इन्वर्टर के बारे में बताना चाह रहा था, जो एक डिसएडवांटेज है, मुझे पसंद नहीं आया, और आई एम नॉट दैट टेक्निकली साउंड. इसकी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है शायद, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. बट अगर मैं इसका वापडा इसमें आ रहा है और सोलर भी चल रहा है, और हमने इतना लोड चलाया कि सोलर उसको उसकी ज़रूरत सोलर से पूरी हो सकती है, फिर भी ये इन्वर्टर्स जो हैं ये 3 से 4 कभी 6 एम्पियर वापडा से खींचते रहते हैं. इसका मुझे कोई वजह समझ नहीं आई है. जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 3 एम्पियर खींच रहा है वापडा से, और अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ग्रिड को मैनुअली, तो फिर ये सब कुछ सोलर पे चलेगा, बैटरी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगी. तो ये एक अजीब सी बात है कि ये क्यों, अगर इनको ज़रूरत नहीं है वापडा की तो ये क्यों वापडा यूज़ करते हैं. तो इसमें जो है, और मैंने मीटर पे भी जाके देखा है, तो वो बीप कर रहा होता है, स्लोली कर रहा होता है उसका जो रीडिंग हो रही होती है. बट अगेन, आई वुड से कि ये 1, 2 या 3 यूनिट दिन का बिला वजह इस्तेमाल करता है अगर हम इसको, इसका वापडा बंद नहीं करें मैनुअली. तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई वुड आस्क देम टू इम्प्रूव. एक और चीज़ आई वुड आस्क देम टू इम्प्रूव इज़ जो ऐप है वो रियल टाइम डेटा नहीं देती है, वो तकरीबन 7 से 10 मिनट का उसका डिले आता है उस डेटा में. तो आई फाउंड दिस, मुझे पहले लगा था कि इतना मुझे तंग नहीं करेगा ये, बट आई, वो जो लैग है वो काफ़ी मुझे पसंद नहीं आया. आई थिंक अगर रियल टाइम होगा तो काफ़ी उस ऐप की यूटिलिटी बढ़ जाएगी. तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू सी इम्प्रूव्ड थ्रू अ सॉफ्टवेयर अपडेट, या अगेन अगर आगे जो है फ्यूचर इन्वर्टर्स हैं ये ऐसे अपडेट्स लाएँ. ये वाईफाई से कनेक्टेड है, आई होप इसके फर्मवेयर अपडेट्स आते हों. तो दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू सी. यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ अपने सारे सोलर इंस्टॉलर्स के लिए. ये मैंने एक मॉडिफिकेशन की है अपने सिस्टम में. ये मैंने एक एम्पियर मीटर लगाया है, और ये एक ऐसे जगह लगाया है जहाँ पे हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा होता है,
यूजुअली जो इन्वर्टर्स होते हैं वो छत पे लगते हैं या ऐसी जगह लगते हैं जहाँ पे हम आते जाते नहीं हैं। तो जैसे ही अगर हम ऐसी चीज़ चलाई हुई है, एसी वगैरह चलाया और एकदम बदली हो जाती है और यहाँ पे हम आते जाते देख लेते हैं कि 11 एम्पेयर यूज़ हो रहा है या 12 एम्पेयर यूज़ हो रहा है, तो हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ऐप है वो रियल टाइम डेटा नहीं दे रही होती, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम वापडा यूज़ कर रहे हैं, सोलर नहीं यूज़ कर रहे। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल हमारे लिए फ़ीचर है और मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा, स्पेशली सोलर इंस्टॉलर्स के लिए, कि वो ये चीज़ लगा के दें अपने यूज़र्स को और ऐसी जगह लगा के दें जहाँ पे लोग आते जाते रहें। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा सारे सोलर इंस्टॉलर्स से कि वो या तो कॉम्प्लीमेंट्री या अपने यूज़र से पैसे लेके एक फायर एक्सटिंग्विशर लगाएं नियर योर इलेक्ट्रिकल फायर्स और इन्वर्टर्स। तो ये मैंने खुद लगवाया है, ये 3,000 रुपये का मुझे पड़ा है। तो अगर बंदा 10-11 लाख रुपये का सिस्टम लगा रहा है तो 3,000 रुपये का ये एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए घर में, बिकॉज आपको कुछ पता नहीं होता इलेक्ट्रिकल फायर्स हो सकती हैं। तो अगेन दिस इज़ अ सजेशन टू ऑल द सोलर इंस्टॉलर्स कि प्लीज़ आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और इसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ाएं और लोगों को ऑप्शन दें कि वो आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा के देंगे। इस वीडियो में मैं एक और बात मेंशन करना चाह रहा था कि आपको पाकिस्तान में सोलर से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियंस मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लोगों की आदत है हर बात के ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म करना और लोगों को पसंद भी है दूसरों से वैलिडेशन लेना या उनकी ओपिनियन को कंसिडर करना। तो इस मामले में, सोलर के मामले में, आपको बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा सोलर के बारे में ओपिनियन दे रहा है जिसने कभी ना सोलर लगाया है और ना उसने कभी इस्तेमाल किया है और वो सोलर की बुराई कर रहा है, तो आई थिंक इट्स अनफेयर। तो आप उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करें। अगर किसी बंदे ने सोलर लगाया है और वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो बुराई कर रहा है सोलर की, तो इसमें दो सिनेरियोज़ हो सकते हैं। या तो उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो या तो उनको किसी कोई उनको नकली पैनल लगा के चला गया या उनको कोई ख़राब इन्वर्टर लगा के चला गया। तो इस मामले में सोलर टेक्नोलॉजी का कोई कसूर नहीं है इसमें। अगेन मैं आप लोगों को भी इसलिए वीडियोस बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एम्पावर किया जाए नॉलेज से और आपके साथ कोई ऐसा हाथ ना हो सके। तो अगेन ये सिर्फ वीडियोस मत देखें, आप पूरे यूट्यूब भरा हुआ है सोलर के ऊपर, आप अपनी रिसर्च करें और जितना इंफॉर्मेशन आप अपने आप को एम्पावर करेंगे इंफॉर्मेशन से, उतना कम चांस है आपके साथ कोई फ्रॉड करेगा। तो ये मैं इस मामले में ये बोलूँगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, अगर किसी ने सोलर लगाया है और वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है इससे, दूसरा सिनेरियो ये होगा कि उन्होंने शायद 3 या 4 साल पहले अपना सोलर सिस्टम लगाया था। इस बारे में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि सोलर टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिडली इवॉल्व कर रही है, जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री कुछ साल पहले कर रही थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो सोलर पैनल्स लगाए हैं ये 435 वॉट मोनोपर्क के हाफ कट सेल जो है टेक्नोलॉजी है। कुछ साल पहले तक 330 वॉट के एफिशिएंसी पे आ रहे थे, 330 वॉट के पैनल आ रहे थे और मोनो और पॉली क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी में आ रहे थे। अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है। और कैन यू इमेजिन, मुझे ये सिस्टम लगाए हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी मार्केट में इससे अच्छे पैनल आ चुके हैं जो आपको 435 नहीं बल्कि 500 वॉट तक के आपको पावर जनरेट करके देंगे। वो बाईफेशियल हैं, यानी उनके नीचे भी कुछ ये सेल्स हैं जिसमें, वरना इसमें सिर्फ ऊपर हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, उसमें डबल फेस है। उसके ऊपर भी आप ज़रा देखें, रिसर्च करें। इन्वर्टर्स में आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कुछ साल पहले तक आपको ये वाईफाई कैपेबिलिटीज़ और इतने आपको सोफिस्टिकेटेड और रिलायबल इन्वर्टर्स नहीं मिलते थे जितने 2020 में आए हैं। तो और 2021 और ऑनवर्ड इज़ गोना इवन इम्प्रूव मोर एंड मोर। तो अगेन अगर कोई ऐसा बंदा जिसने 3-4 साल पहले सोलर लगाया था, उसने अपनी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी ओपिनियन बेस की हुई है, तो ये ऐसा ही है कि कोई बंदा 5 साल पुराना स्मार्टफोन के ऊपर, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी या स्मार्टफोन्स के ऊपर एक ओपिनियन बना ले। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिडली इवॉल्व कर रही है और ये और करती रहेगी। तो अगेन आई वुड हाईली अर्ज कि आप उन बंदों से ओपिनियन लें, सिर्फ मेरी ओपिनियन ना लें, जिन्होंने पिछले साल
या डेढ़ साल में सोलर लगाया है और सही तरह से लगाया है, उनका आप एक्सपीरियंस मालूम करें, क्या अच्छा एक्सपीरियंस था या बुरा एक्सपीरियंस था। तो इस मामले में मैं ये आपको बताना चाह रहा था। माशाल्लाह बहुत प्यारा इस वक्त सनसेट हो रहा है, तो डिसाइडेड टू शेयर दिस शॉट विद यू बिफोर वी डिस्कस कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं 6 महीने पीछे जाऊं, कौन सी ऐसी गलतियां समझ लें जो मैं रिपीट ना करूं, और व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वुड डू डिफरेंटली दिस टाइम। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मैं अगर वापस जाऊँ तो मैं डेफिनेटली नेट मीटरिंग को प्रायोरिटी पर रखूँगा। इस ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है जो मैंने एक्सप्लेन किया अपने पार्ट वन में कि मैं क्यों ऑफ ग्रिड लगा रहा हूँ, और आई थिंक द आइडियल सिस्टम फॉर एनीबडी जो जिधर जहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम जो है वो ज़रूर आप लगवाएं और नेट मीटरिंग को ज़रूर लगवाएं। आई थिंक के विदाउट नेट मीटरिंग आप सोलर पैनल्स का, अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है उसको फुली आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे, और ये बहुत सारे लोगों के लिए शायद एक ऑब्वियस सी बात हो, मगर मैं अपने एक्सप्लेन करता हूँ मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। पहले मुझे लगा था कि 10 किलोवाट का सिस्टम हम ईज़िली ओवर पावर कर देंगे एज अ फैमिली, हम ओवरसीज़ में रहते थे और आई थिंक वी आर हैवी यूज़र्स। आई थॉट अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात समझ लें कि इस सोलर हैज़ परफॉर्म्ड बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, हम इसको डेफिनेटली अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी ज़ाया हो रही है। तो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू गो फॉर नेट मीटरिंग नाउ, आई एम कन्विंस्ड अबाउट दिस। तो और आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल एज़ वेल ये नेट मीटरिंग डेफिनेटली आप लोग लगवाएं, और कोई भी अगर आपको कहता है कि नेट मीटरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है या इतना कोई इट्स नॉट दैट बेनिफिशियल, तो आप उस बंदे से दूर भागें बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट विद यू। तो मैं ये पहला एक चेंज होता कि मैं हाइब्रिड सिस्टम लगाता, और मैंने उस वक्त पहले इसलिए क्यों नहीं लगाया क्योंकि नेपरा के उस वक्त रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे। नेपरा कहता था पहले अगर आपका सिंगल फेज़ मीटर है जैसे मेरा था, आपको सिंगल फेज़ से 3 फेज़ मीटर पे आना है, फिर 3 फेज़ मीटर से बाई डायरेक्शनल मतलब रिवर्स मीटरिंग जो नेट मीटरिंग के लिए चाहिए होता है ग्रीन कलर का होता है वो लगवाने के लिए आपको ये थोड़ा प्रोसेस फॉलो करना होता है। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू नेपरा फॉर रिलैक्सिंग द रूल्स, तो उन्होंने तो रिलैक्स कर दिया, अब डायरेक्ट सिंगल फेज़ से आप रिवर्स मीटरिंग पर जा सकते हैं। तो अगर ये रूल उस वक्त होता तो मैं डेफिनेटली नेट मीटरिंग पर जाता, और मैं अभी आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। अगर कोई सोलर, अगर आपका बिज़नेस सोलर बिज़नेस है इस्लामाबाद में या पिंडी में, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू नेट मीटरिंग सिस्टम। तो दैट विल बी वन ऑफ द सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो मैं बनाना चाहता हूँ इस सीरीज़ की, तो एंड वी कैन कोलैबोरेट ऑन दैट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप इस सिस्टम को नेट मीटरिंग में कन्वर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो ये कि आयरन के बजाय आप गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर बनाएं। अगेन ये मुझे नहीं पता था, मैं आप लोगों का जैसे ही एक आम आदमी हूँ, कोई मैं मटेरियल साइंटिस्ट नहीं हूँ या मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, तो उस वक्त जो मुझे नॉलेज थी और जो मुझे बताया गया था उसके मुताबिक मैंने आयरन का बनाया है। गैल्वेनाइज्ड आयरन एक्चुअली रस्ट नहीं होता है, ये इसमें रस्टिंग इश्यूज़ हैं, मगर अगर आपने ये लगाया हुआ है या मुझे भी कोई इतना मसला नहीं है, ये भी 20-25 साल निकाल लेगा अपने, मगर अगर मैं बना ही रहा था तो आई शुड हैव गॉन फॉर गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो ज़रूर गैल्वेनाइज्ड आयरन में बनाइए या स्टेनलेस स्टील में बनाएं अगर आपके पास बजट है, बट आई थिंक गैल्वेनाइज्ड आयरन थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो दिस इज़ अनदर थिंग आई वुड चेंज। एक और चीज़ जो शायद अगर मैं पीछे जाऊँ और मैं मुझे मौका मिले इसको फिर से री इंस्टॉल करने का, तो मैं जो हूँ 10 किलोवाट लगाने के बजाय या तो 7 किलोवाट पे जाता या 12 किलोवाट पे जाता। और ये क्यों मैं करता मैं आपको बताता हूँ। एक जो इन्वर्टर है जिसमें आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर आप देखते हैं, तो उसकी जो लिखा हुआ तो 5 किलोवाट है, मगर आप उसमें 7 किलोवाट तक के पैनल्स लगा सकते हैं। तो ये अगर मुझे पता होता या मैं इस पर थोड़ा गौर करता तो मैं एक इन्वर्टर लगा के 7 किलोवाट पे जाता, या अभी जिससे मैंने 2 लगाए हुए हैं 10 किलोवाट के, मतलब 5-5 किलोवाट के 2, तो मैं उसको फुली कैपेसिटी उसकी पूरी करता और 12 किलोवाट के लगाता, जस्ट यू नो बिकॉज आई कैन, यानी अभी जो है अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं मेरे इन्वर्टर्स। तो 10 किलोवाट अगेन बहुत ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पावरफुल है और हम इसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं।
तो व्हाट आई एम गोना से इज़ के इन्होंने जो हमारे इंस्टॉलर आए थे हबीब भाई, उनके भाई हैं हसीब भाई, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दी थी और मैं वही एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँगा कि आपको अगर पहाड़ी पे किसी जाना है और आपने कोई गाड़ी चूज़ करनी है तो 800 सीसी वाला इंजन वाली गाड़ी भी आपको पहाड़ी पे चढ़ा देगी और 1600 सीसी वाली भी आपको पहाड़ी पे चढ़ा देगी, मगर वो जो प्रोसेस है, जो छोटी गाड़ी है वो थोड़ा ज़्यादा जोर लगा के जाएगी मगर जो बड़ी गाड़ी है वो आराम से चली जाएगी। सेम गोज़ हेयर, आई थिंक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी। सोलर में भी अगर आप बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो जिस तरह आज बदली है और या कोई रेनी डे है तो एक बड़ा सिस्टम आपको ज़्यादा अच्छा आपको सपोर्ट कर सकता है ऑन अ क्लाउडी डे, ठीक है। वेयर एज अगर आपका छोटा सिस्टम है तो आपको अगर जहाँ बदली हो गई तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अगेन आई थिंक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर अ 12 किलोवाट। अगर आपको वाकई में वैल्यू फॉर मनी चाहिए और आपको जो है आप एक एक पाइक आपकी जो है वो आप उसको उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप 7 किलोवाट का लगाएं और एक इन्वर्टर लगाएं 5 किलोवाट का, इंस्टेड ऑफ दो इन्वर्टर 5 5 किलोवाट के और 10 किलोवाट का सिस्टम लगाएं। आई थिंक 7 किलोवाट का सिस्टम 10 किलोवाट से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट अगेन इफ़ आई वर टू गो बैक दिस इज़ समथिंग आई वुड चेंज। एक और बहुत बड़ा कंसर्न है या लोगों का सवाल होता है इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो ROI जो है सोलर का, ये हर बंदे के लिए एक अलग होता है। पहले सोलर लगाने से पहले मैं सोलर का ROI सिर्फ पैसों की टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में मैं सिर्फ इसको सोचता था, कैलकुलेट करता था यार कितने साल में मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, और ये एक तरीका है ROI कैलकुलेट करने का। बट मैं थोड़ा एक अब जो हूँ ना सोलर लगाने के बाद मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है और आई थिंक अगर जो मेरा RO है ना, जो पीस ऑफ माइंड मुझे इस सिस्टम ने दिया है, मेरा ROI ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक मुझे अब इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा इसमें कितने सालों में मुझे पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि जो इस सिस्टम ने मुझे पीस ऑफ माइंड दिया है, मेरे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है, तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी कम्प्लीट। अब ये बात बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ नहीं आएगी, इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, कॉमेंट्स में बोलेंगे, whatever, बट ये मेरी फीलिंग्स हैं। शायद ये बात मुझे भी सोलर लगाने से पहले अगर मुझे कोई कहता शायद मुझे भी समझ नहीं आती, मगर क्योंकि एक ऑनेस्ट रिव्यू है, एक ऑनेस्ट लॉन्ग टर्म रिव्यू है, तो आई एम गोना शेयर एवरीथिंग हाउ आई एम फीलिंग अबाउट दिस। तो ये मेरा आपसे वादा था और दिस इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि मुझे जो है ना, डोंट जस्ट कैलकुलेट दी ROI ऑफ सोलर सिर्फ पैसों में, ये दो बाकी फैक्टर्स हैं ना, आपको जो लोड शेडिंग से छुटकारा मिलता है, ये सब, आप UPS क्यों लगाते हैं, आप जनरेटर क्यों लगाते हैं, तो दैट्स फॉर पीस ऑफ माइंड। तो ये जो ROI है वो भी इसको ज़रूर आप मद्देनज़र रखिएगा। ओके, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है सोलर के बारे में इन माय 6 मंथ एक्सपीरियंस, मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि आई थिंक के सोलर पावर इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड और आई एम कन्विंस्ड के दिस इज़ द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, सोलर इज़ द फ्यूचर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। आई थिंक हमने वी हैव सॉल्वड हाफ द इक्वेजन, हमें पावर जनरेट करना आ गया है, दिस इज़ अ वेरी केपेबल सिस्टम। सोलर पावर ने मुझे बहुत ज़्यादा यानी इट हैज़ परफॉर्म बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। इस पर मैंने क्या कुछ नहीं चलाया है, इस पर वेल्डिंग भी हुई है, इस पर AC 1.5 टन के चले हैं, इस पर गीज़र चले हैं इलेक्ट्रिक, इट हैज़ रियली आउट परफॉर्म माई एक्सपेक्टेशंस। तो आई थिंक वी हैव सॉल्वड हाफ द प्रॉब्लम। एज सून एज वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, जिस तरह कोई ऐसा कोई बैटरी इन्वेंट हो जाती है जहाँ पर हमें सस्ती प्राइस में लॉन्ग टर्म बैटरी बैकअप मिलता है, आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू कन्वर्ट टू सोलर इन नो टाइम। सारा जो अभी सोलर से लोग अभी भी घबराते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी बैकअप की वजह से है।
और आई थिंक जैसे ही कोई ऐसी इन्वेंशन आती है जो एक रेवोल्यूशनाइजेज द बैटरी एनर्जी स्टोरेज इंडस्ट्री, आई थिंक दैट्स इट, दिस इज़ इट, दिस इज़ द सॉल्यूशन टू आवर द टू ग्लोबल वार्मिंग, टू पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है, दिस इज़ इट. तो दिस इज़ माई वर्डिक्ट. और आई एम जस्ट गोना से टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आप खुदारा इस टेक्नोलॉजी के को सब्सिडाइज करें और इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च करें और नेट मीटरिंग का प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाएं. बहुत मुश्किल है ये, अभी इसमें बहुत सारी रिश्वतें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी करप्शन इन्वॉल्व है, तो इसको आसान बनाएं. और आई होप के यानी द गवर्नमेंट टेक्स दिस ऑन अ प्रायोरिटी लेवल के दिस आई थिंक इज़ द सॉल्यूशन टू आवर एनर्जी क्राइसिस, हमारा जो सर्कुलर डेट है और ये सब सारे मसाइल हैं हमारे, दिस इज़ इट. तो ये, और मैं ये बहुत बड़े क्लेम्स कर रहा हूँ और ये मैं यानी ऐसी उठ के नहीं बोल रहा, आई रियली बिलीव दिस और मैं इस आई फुली बैक दिस. मैं, मुझे कोई ना पैसे मिल रहे हैं, मुझे आपके सोलर लगाने या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ इसके बारे में, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ. तो अगेन मुझे कोई इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे मुल्क का फ़ायदा ज़रूर है कि एक मेरा मुल्क एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके वो मेरे मोटिवेशन ज़रूर है. बट अगेन अगर मुझे पसंद नहीं आता तो मैं इसको डेफिनेटली इंडोर्स नहीं करता, या मैं आपको डेफिनेटली इसको बताता कि ये दिस इज़, इट इज़ टू अर्ली फॉर इट. बट अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन से इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड इट. दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था और जो बहुत मेरे लिए खुशायंद बात है वो ये है कि ये जो सारा मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस था ये स्लो सीज़न के दौरान था. मतलब अभी तक मैंने ये सोलर मई जून जुलाई की गर्मियों में यूज़ नहीं किया है, विच इज़ द पीक सीज़न, जब सोलर अपनी बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहा होता है, सबसे अपनी पीक पर होता है. तो अगर मैंने जो सर्दियों का मौसम है और बरसात का मौसम है उसमें मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आई कांट इवन इमेजिन के हाउ वेल दिस इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन जून और जुलाई. तो अगेन अगर आप कन्विंस हो गए यू वांट टू इंस्टॉल सोलर, मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि जल्द से जल्द लगाएं. जैसे ही ये समर सीज़न शुरू होता है ये सोलर वाले आपको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएंगे, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड. यहाँ पे मैं एक और बात ये कर दूँ कि दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अगर आपको लगता है कि आप एक प्रोफेशनल सोलर सिस्टम्स लगा सकते हैं पाकिस्तान में, तो दिस इज़ अ रियली गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए पाकिस्तान में यहाँ पे सेटअप लगाना सोलर इंस्टॉलेशन का. आई थिंक डिमांड बढ़ती जा रही है डे बाय डे, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और देर आर वेरी फ्यू, देर इज़ अ सप्लाई एंड डिमांड इशू विद दिस. तो डेफिनेटली दिस इज़, इफ़ यू कैन एनी ऐसा बिजनेस आप लगाने का सोच रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आई थिंक दिस इज़ देर समथिंग हेयर. अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि आई हैव अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस. मे बी सब आप लोगों को लग रहा है बहुत ज़्यादा मैं इसको ओवर सेल कर रहा हूँ, बट अगेन मैं अपनी इस ये चैनल मेरा है, आई टेक माई वर्ड रियली सीरियसली, अपनी रेपुटेशन मुझे अजीज़ है और मैं किसी भी चीज़ को ऐसे फुली इंडोर्स नहीं करता अगर मैं उससे फुली सेटिस्फाइड ना होता. आई होप दिस वीडियो वॉज़ हेल्पफुल फॉर यू. और आपने अगर सोलर लगाया हुआ है ज़रूर कॉमेंट्स में बताएँ. आई नो बहुत सारे हेटर्स भी आएंगे कमेंट्स में जो इसके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काएंगे, बट अगेन मैंने आपको बताया यू नीड टू सी कि कौन आपको ओपिनियन दे रहा है सोलर के बारे में. तो डू इंगेज, आई एम इन द कमेंट्स अवेलेबल. आपके कोई सवालात हैं तो मैं हाज़िर हूँ. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.